गुड मॉर्निंग। और सब ठीक ना? आज हिंदी में कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी लोगों का कंप्लेन है बंगाली समझ में नहीं आ रहा है। दीदी आप बंगाली में क्यों बात कर रहे हो? तो आज हिंदी में भी कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बात करने के लिए। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ। कोलकाता में अभी बहुत सर्दी है और पिछले दिनों में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मेरा जो वेट लॉस जर्नी है उसका जो डाइट चार्ट है, रेसिपी है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पिछले दिन तो बहुत पूरी खा ली है हम लोगों ने। बढ़ भी डर भी लग रहा है कि वेट बढ़ना जाए, तो वेट को कंट्रोल भी करके रखना है ना। तो आज चलिए आप लोगों के साथ मैं मेरा एक वेट लॉस जो मेरा जो डाइट चार्ट था उसी का एक रेसिपी शेयर करूंगी। पिछले दिन मैंने बताया था कि ओट्स और दही से एक रेसिपी ब्रेकफास्ट रेसिपी था वो भी, और आज बेसन का चीला। ये बहुत हेल्दी एक रेसिपी है। आप वीकली ये दो दिन अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो और ये बहुत ही फायदेमंद भी है। वेजिटेबल रहता है इसमें, आपके घर में जो वेजिटेबल है उसी से आप ट्राई कर सकते हो। कुछ नहीं है तो सिर्फ ऑनियन से भी ट्राई कर सकते हो। अभी मेरे पास आज थोड़ा बहुत सब्जी था तो मैं उसी से बना ली। तो चलिए देख लेते हैं कि बेसन के चीले बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। इधर मैंने थोड़ा बहुत ऑनियन, कैरेट, ग्रीन चिली और बीन्स ये सब चॉप करके रखा है, और इसके साथ बस 2 टेबलस्पून बेसन, चुटकी भर नमक, काली मिर्च और क्या 1 टीस्पून ऑयल, बस बन जाएगा एकदम टेस्टी टेस्टी बेसन का चीला। बहुत अच्छा लगता है खाने में। दही के साथ आप ट्राई कर सकते हो वो भी दही। और हम लोगों को चाट में क्या फॉलो करना चाहिए, हर एक चीज का एक प्रोपोर्शन होता है। हम लोग जैसे बहुत दिनों से मैं भी ऐसे 2 साल से सोच रही थी, मैं खाना तो कम कर दिया लेकिन मेरा वजन कम क्यों नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे आगे जाके मुझे पता चला कि मेरा जो क्वांटिटी था वो ज्यादा था। मैं बहुत दिन हो गया था मैं चावल छोड़ दी थी, लेकिन वही है मुझे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। 92 किलो से मैं 86 तक आ गई थी। वो थोड़ा बहुत वेट मतलब खाना वाना कंट्रोल करके फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, उधर भी जाके वही सेम हुआ, 3-4 किलो कम हुआ लेकिन उससे ज्यादा कम नहीं हो रहा था। तो फिर मैं ये फॉलो की और आज मेरा वेट 65-66 के बीच में ही है। वो थोड़ा अप डाउन हो रहा है, अभी विंटर है, खाने का भी बहुत मन करता है तो थोड़ा बहुत इस बार हो भी जा रहा है खाना, लेकिन उसको मैनेज करके रखना है। आज मैं थोड़ा ज्यादा कुछ खा ली तो कल मुझे कैसे वो मैनेज करना है, यही सब सीखना है आप लोगों को। तो चलिए, और हाँ ये सिर्फ डाइट का ही रेसिपी नहीं है, ये आप ऐसे भी बनाकर खा सकते हो। चीला तो हेल्दी होता ही है ना, तो किसी दिन घर में ब्रेकफास्ट में अब सभी को रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा है या कुछ और भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये रेसिपी तो हम लोग ट्राई कर ही सकते हैं ना। तो प्लीज चलिए आज मेरे साथ आइए और सीखिए कैसे बेसन का चीला बनाया जाता है। कम मैं बेसन में चिमटी भर सॉरी मैं बेसन में चुटकी भर जीरा और चुटकी भर हल्दी और काली मिर्च और नमक, जो मैंने बताया था, बस हल्दी और जीरा मैंने ऐड किया है। जीरा देने से टेस्ट अच्छा लगता है। और अभी ये इस बेसन में हम लोग जो सारे सब्जी काट के रखे हैं ना वो सब्जी मिला लेंगे। तो पहले गाजर, थोड़ा हरी मिर्च, तीखा मुझे पसंद है इसलिए हरी मिर्च डाली मैंने, बीन्स ये आप लोग जितना हो सके चॉप कर लीजिए तो खाने में भी अच्छा रहता है और इसे पलटने में भी इजी रहता है ना। और ऑनियन, आपके पास हरा मटर है तो मटर, टमाटर
और जो भी सारा सब्जी है, धनिया पत्ता सारा कुछ एकदम चॉप करके डाल सकते हो। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही। घर में कुछ ना हो ये भी बना के आप खा सकते हो ना। सब्जी ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ ऑनियन के मदद से भी ये बना सकते हो। और हाँ, ध्यान रखना है कि ज्यादा पतला ना हो जाए, हाँ, तो वो फिर पलटेगा नहीं। भजा तला हुआ, ये डीप फ्राइड चीज, ये ज्यादा हेल्थ के लिए भी तो अच्छा नहीं है ना। तो अभी जो चीज हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो हम लोग क्यों खाए। हाँ, तो मन हो तो महीने में एक बार हम लोग खा ही सकते हैं, उतना भी ये नहीं है। लेकिन ये सब चीज पूरा हफ्ते तो ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए ही ना। हस्बैंड को भी देना है, बच्चों को भी देना है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सभी के लिए अच्छा है, बहुत हेल्दी है और बहुत इजी है। सबसे जो है हम लोगों को लगता है ना, फिर सुबह क्या बनाए, किचन में जाकर क्या खिलाए सबको, ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, ये तो एक पूरा दिन का हम लोगों का टेंशन ही हो जाता है ना। सुबह से लेकर रात तक क्या क्या बनाए, क्या क्या खिलाए, तो ये एकदम इजी सा एक रेसिपी है। कभी भी शाम को भी आप बना के ये एज ए स्नैक्स भी खा सकते हो। और देखिए ये लगभग रेडी हो गया। अभी ये बैटर बन गया है, बैटर रेडी है। अब हम लोग, आपको एक यहाँ पैन लेना है, मतलब चीला जो बनाएंगे ना हम लोग वो, ताकि वो पलट सके। मतलब वो पैन में करने से, नॉनस्टिक पैन में करने से इजी रहता है, ये चिपके चिपक नहीं जाएगा। मेरा हिंदी मैंने बताया था ना, बहुत खराब है, प्लीज मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अभी ऑयल, ये देखिए कितना ऑयल डाल रही हूँ। आइए, हाँ ये भी तो ज्यादा हो गया, इतना भी नहीं चाहिए, बस 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 बस, बहुत हो गया ब्रेकफास्ट के लिए, इतना बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ऑयल इतना कम डाला है शायद टेस्टी नहीं बनेगा, बहुत टेस्टी बनता है, बनाइए आप लोग भी। और वही भी तो मैनेज कर, मतलब उसे भी तो बढ़ना नहीं चाहिए ना, उसे भी तो मैनेज करके रखना है। आप अपने हिसाब से तो छोटा बनाना है तो छोटा बनाइए, बड़ा बनाना तो बड़ा बनाइए, इस साइज से सही है। थोड़ा चम्मच की हेल्प से इसको आपको ऐसा कर लेना है। और लो फ्लेम में आपको, आप इसको बनाना है धीरे धीरे, टाइम ज्यादा नहीं लगता है, 5-10 मिनट में बन जाता है। ये थोड़ा देखिए इसके ऊपर अगर बबल्स आने लगे थोड़ा थोड़ा ये ऐसा, तो अब इसको हम लोग ढक देंगे। ढकने से क्या है, ये ऊपर से भी पक जाता है ना। ढक्कन कहाँ है, अदरक भी डाल सकते हैं, थोड़ा अदरक ग्रेट करके, मैं भूल गई आज तो, मैं भूल गई, आप लोग मत भूलिएगा, थोड़ा अदरक ग्रेट करके उससे भी अच्छा लगता है। और हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो ब्रेकफास्ट का क्या बनाए और दूसरा है शाम को स्नैक्स में क्या खिलाए। सब ऑफिस से आते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा मतलब ड्राइव, सब एक साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, तो उस टाइम में हम लोगों को हेल्दी खाना खाना चाहिए। लेकिन हेल्दी से हम लोग सोच में पड़ जाते हैं ना क्या बनाए, तो बेसन से एक और चीज बनती है, ढोकला, बहुत टेस्टी है वो भी, बहुत हेल्दी है, एकदम लेस ऑयली भी है। तो
आप लोग वो घर में बना के कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हो, वो भी एक अच्छा रेसिपी है। मैं आगे वो भी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मखाना जो होता है उसको आप थोड़ा ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए, वो भी चाय के साथ आप लोग खा सकते हैं। लेकिन हाँ, थोकला भी है उसका भी क्वांटिटी है, मखाना भी है उसका भी क्वांटिटी है। जब मैं मखाना का रेसिपी बताऊंगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कितना क्वांटिटी में उसे खाना चाहिए। और यहाँ और एक टिप्स मैं देना चाहती हूँ, बिस्किट जैसे मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन वो बिस्किट हम लोगों को बंद करने देना है, कोई भी बिस्किट हम लोगों को नहीं लेना है। और दूध या मिल्क जिसका जो हम लोग चाय के साथ दूध को पूरा एकदम उबाल के एकदम बॉयल करके फिर उसमें चाय पत्ती डाल के हम लोग बनाते हैं ना, वो छोड़ देना है। फिर एक दिन आप लोगों के साथ चाय का रेसिपी भी शेयर करूंगी और भी बहुत कुछ। चलिए आज पहले देख लेते हैं कितना अंदर कितना हुआ है इसका। हाँ, अब हम लोग पलट सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं बने। चलिए, वाओ, इसे हम लोग चीला वेज ऑमलेट भी कह सकते हैं ना। बहुत सारे है जिसको एक पसंद नहीं है, एक खाते नहीं है, वेजिटेरियन तो है ही ना, तो दुख किस बात की, बन गया ना वेजिटेबल ऑमलेट, बेसन से बेसन की चीला वेजिटेबल ऑमलेट। बच्चों को भी आप वही बोलते खिला सकते हैं, आ जाओगे तो बेटा आज वेजिटेबल ऑमलेट खाते हैं। फिर आओ, बन गया है ये। अभी आपको एक ही खाना है, आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून बेसन, उससे ज्यादा नहीं, एक के लिए मतलब एक जन के लिए काफी है 2 टेबल स्पून बेसन। और उसके साथ मैंने जो जो बताया वो आप लोग फॉलो कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों का भी वजन मैं कम करा के रहूंगी। चलिए, चीला बन गया। कितना टाइम लगा आप लोगों को, ज्यादा लगा क्या? टाइम नहीं ज्यादा लगा ना, बन गया। अब चलिए इसके साथ हम लोग दही लेंगे और खा के बताएंगे। मैं तो बता ही दूंगी कि अच्छा है, आप लोग बनाइए और फिर मुझे बताइए कैसा लगा, ठीक है? अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कटोरी, इसमें दही लेंगे। सिर्फ बनाएंगे नहीं, खाके भी दिखाएंगे कि खाते भी हैं हम। अब लोग सोचेंगे सिर्फ बता बोलती रहती है, खाती कुछ नहीं शायद। तो मैं थोड़ा बहुत डेकोरेट भी की हूँ, आप लोग सोचेंगे अब क्या बोरिंग सा खाना खा रही है, शायद ये दिखाती है खाती नहीं है, लेकिन आज खाकर भी दिखाऊंगी कि कितना टेस्टी लगता है खाने में। दही थोड़ा डीप करके, अब जीरा आप लोग जरूर डालिएगा, जीरे की वजह से अच्छा लग रहा है। रोस्टेड क्या हुआ जीरा भी डाल सकते हो, अभी जो भी है अच्छा है। अच्छा लग रहा है खाने में। बाय बाय, अभी खाना कंटिन्यू करते हैं, खाने में के टाइम बात नहीं करना चाहिए। बाय।